हेलो एवरीवन। तो कंपनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। डेट है आज 14 जून। चार्ट लगा है डेली चार्ट पर। डेली यानी कि एक दिन की एक कैंडल है। सो इसको अराउंड 6 डेज पहले यानी 1 वीक पहले वीडियो मैंने शूट की थी, तो उस टाइम इसका ब्रेकआउट आया था। इस कैंडल में ब्रेकआउट था इस जगह पर, जो बिग ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे। बट ब्रेकआउट के नीचे जिस टाइप के वॉल्यूम चाहिए होते हैं उसके नीचे ये वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। वॉल्यूम था पर यहाँ तक का मार्क था, वहाँ तक के वॉल्यूम नहीं थे। तो हुआ क्या, ब्रेकआउट तो दिया पर ब्रेकआउट के अगले ही दिन कैंडल लाल बन गई। देन फिर से रिटेस्ट कर दिया अपनी रेजिस्टेंस लाइन पे। रिटेस्ट करने के बाद 2-3 दिन कंपनी में तेजी रही। फिर आज के दिन क्या हुआ, कंपनी खुली ऊपर एंड क्लोज बहुत नीचे आ गई है। वॉल्यूम काफ़ी था, स्पाइक है उसके नीचे। अब एक चीज़ और देखने वाली ये है कि जो कल की कैंडल थी, उस कल वाली कैंडल में हम साफ क्लियरली देख सकते हैं ऊपर भी कितनी लंबी, यानी कि मार्केट को बायर्स ऊपर तो के गए बट क्लोज ऊपर नहीं कर पाए। सेलर्स ने क्लोज कर दिया मार्केट को नीचे ला के, ठीक है। तो इसके मतलब साफ निकलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी कंपनी के अंदर वीकनेस है। वो प्रॉपर एक अप ट्रेंड को बनाते हुए नहीं चल पा रही है। अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में, मार्केट बुलिश है या इंडियन मार्केट बुलिश चल रहा है, तो हो सकता है इस वजह से ये भी मूव ऊपर कर रहा है। अब देखना ये कब तक करता है। अगर इसको ब्रेक कर जाए नीचे अपने सपोर्ट लाइन को, तो मे बी पॉसिबल है फिर से नीचे आ जाए। बट फिलहाल का सीन ये है कि कंपनी अभी भी अप ट्रेंड में थी, अब चल रही है एंड लास्ट 2 महीने से अप ट्रेंड में ही ये चल रही है। तो देख लेते हैं कब तक अप ट्रेंड में चलती है। अगर नीचे से भी वॉल्यूम दिखना चालू हो जाते हैं बड़े बड़े, तो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर निकल जाए। पर जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम्स की, वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। सो देख लेते हैं आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है इसके अंदर। बट फिलहाल के लिए तो मुझे इसमें साफ वीकनेस दिख रही है। फिलहाल ये चलने में थोड़ा सा कम रहेगा, असमर्थ रहेगा चलने में। सो आज के इतना ही। डन फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।